किड्स भक्ति से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें और YouTube ऐप पर बेल आइकन को प्रेस करें। तो कैसी लगी हमारे बाल गणेश की जन्म की स्टोरी? मजेदार! ये! अरे वाह, खाना तो बढ़िया लग रहा है। बढ़िया है, बढ़िया है। लेफ्टिनेंट, ये हमारे अतिथि हैं। इनका उपहास उड़ाना हमारा उपहास उड़ाने के बराबर है। आपसे ये उम्मीद नहीं थी। अरे जोम्बो जी, कोई बात नहीं, वो गलती तो हमारी है। हम ही उल्टे सीधे तरीके से खा रहे थे, इसमें उनका कोई दोष नहीं है। जोम्बो जी, उपहास से एक स्टोरी याद आई है बाल गणेश जी की, कहो तो सुना दूं। स्टोरी सुनने के बाद आपके ल्यूटिनेंट भी समझ जाएंगे उपहास उड़ाने का मतलब। जरूर, हम जरूर सुनेंगे उपहास की स्टोरी, प्लीज सुनाइए ना। वाह माँ, आज तो मोदक में से बहुत अच्छी महक आ रही है। मक्खन मत लगाओ बाल गणेश, जितने थे सब परोस दिए। अब मैं चली आराम करने। अच्छे से खाना सब। अब इसे क्या हो गया? प्रभु, ये कह रहा है कि नंदी के पास इससे अधिक मोदक हैं। ऐसा कैसे हो सकता है, माँ तो सबको बराबर परोसती है। नंदी के मोदक कुछ अधिक तो लग रहे हैं। नहीं प्रभु, कहाँ अधिक है। तुमसे कितनी बार कहा है मेरे भोजन पर आंखें मत रखा करो। ऐसे कहने से कुछ नहीं होगा नंदी जी, न्याय करना होगा। किंतु उससे पहले हम अपना भोजन कर लें। तो अब आरंभ करते हैं न्याय प्रक्रिया। बग्गा, तुम्हारे मोदक तो इन दोनों से अधिक हो गए हैं, इन्हें भी बराबर करना होगा। लो भाई, हो गया न्याय। ना रहा बांस, ना बजेगी बांसुरी। जिन मोदक के मोह में तुम सब लड़ रहे थे, अब वही नहीं रहे तो झगड़ा कैसा? प्रभु, ये न्याय नहीं है, अन्याय है। अब हम क्या खाएंगे? मेरे होते हुए तुम्हें अपनी भूख के बारे में चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। मित्रों, यदि तुम सब ने मुझे पकड़ लिया तो समझो भोजन मिल गया। पकड़ो मुझे। कौन हो तुम? ये कैसा प्रश्न है देवी? तीनों लोक में ऐसा कौन है जो हमारे प्रभु को नहीं जानता? अज्ञानता के लिए क्षमा देवगणों, कृपया अपना परिचय दें। पहले आपके खेल में बाधा पहुंचाने के लिए आप हमें क्षमा करें देवी। ये सब मेरे मित्र हैं और मैं शिव पार्वती पुत्र
बाल गणेश जो पूरे विश्व को अत्याचारी असुरों से मुक्ति दिलाते हैं। आप और आपके मित्र बहुत संस्कारी हैं बाल गणेश। नागराज वासुकी की पुत्री अश्लेषा के प्रणाम के साथ साथ घर आने का निमंत्रण भी स्वीकार करें। नहीं नहीं प्रभु, आपके यहाँ नहीं जा सकते। अभी तो इन्हें हमारा हिसाब अर्थात आपके साथ नहीं जा सकते। बस मेरे प्यारे मित्रों, मना क्यों कर रहे हो? मैंने कहा था ना, यदि तुम लोगों ने मुझे पकड़ लिया तो भोजन की व्यवस्था कर दूंगा। नाग लोग जाने पर तरह तरह के पकवान मिलेंगे। हाँ सच्ची? कहो तो पूछ लूं। हाँ पूछिए। नाग पुत्री, क्या आपके वहाँ भोजन की व्यवस्था है? अवश्य है बाल गणेश। हमें विचार करना होगा। क्या कहते हो नंदी? मुझे तो ये निमंत्रण स्वीकार करना उचित लगता है। ये कह रहा है कि अब तो पार्वती माँ से भी कुछ खाने को नहीं मांग सकते। बाल गणेश सब चट कर चुके हैं। इतने कम शब्दों में तुम इतना अधिक कैसे बोल लेते हो अगम? तो सर्व सहमति से हम सब नाग कन्या का निमंत्रण स्वीकार करते हैं। धन्यवाद, हमारे पीछे पीछे आइए। वो रहा हमारा घर। महल तो बहुत ही सुंदर है। बाल गणेश, आप सभी यहीं रुकिए। हम पिताजी को आपके बारे में बताकर आते हैं। अवश्य राजकुमारी। हमने कितनी बार कहा राजकुमारी, अज्ञात लोगों से बात मत किया करें, परंतु आप तो उन्हें घर ही ले आई। पिताजी, बाल गणेश भगवान है, हम भाग्यशाली हैं जो वो यहाँ पधारे हैं। जाइए, उनके भोजन की व्यवस्था कीजिए, हम भी देखेंगे कौन भगवान है। वाह प्रभु, आपकी बात स्वीकार कर हम तो धन्य हो गए। आरंभ कीजिए बाल गणेश। वैसे बाल गणेश, जहाँ तक हमें ज्ञात है, हर भगवान का अपना एक अलौकिक रूप होता है, किंतु आपको देखकर ऐसा प्रतीत नहीं होता। कहीं आप पिताजी? आप गोल मटोल हैं, नाक की जगह गज के जैसी लंबी सोंड लेकर घूम रहे हैं, खाने के चटोरे हैं। आपके मित्र भी आप ही की तरह विचित्र है, एक बैल के सिर वाला, एक चूहा, एक की हड्डियां गिन लीजिए, दूसरा काला, तीसरा समझ से बाहर। नागराज, अतिथियों का उपहास उड़ाना राजा को शोभा नहीं देता। क्रोध न करें अतिथि, मुझे तो बस यूं ही आप सबको देखकर हंसी आ रही है। तो आप पहले खुलकर हंस क्यों नहीं लेते नागराज? हंसना तो चाहता हूं बाल गणेश, किंतु आप लोगों के समक्ष हंस नहीं पा रहा। परंतु आप भगवान हैं, इसलिए हमारी इच्छा है कि आप वहीं बैठे बैठे हमें हंसाएं। क्यों, क्या हुआ, कुछ अन्यथा कह दिया क्या? अन्यथा का पता नहीं नागराज, परंतु तुम हंसी हंसी में गए। नागराज, मेरे भक्त सच्चे मन से जब भी मुझसे कुछ मांगते हैं, मैं उन्हें वो अवश्य देता हूँ। तुमने सच्चे मन से मांगा है तो तुम्हारी इच्छा मैं अवश्य पूरी करूँगा। तथास्तु।
ये तो क्या हो रहा है? बाल गणेश, अपने पिता के अपराध के लिए मैं क्षमा मांगती हूँ। पिता के अपराध के लिए पिता ही क्षमा मांगे राजकुमारी तो उचित होगा, अन्यथा हमें सुनाई नहीं देता। पिताजी, क्षमा मांग लीजिए। मैं नागराज हूँ, मैं क्षमा नहीं मांगूंगा। अब मुझे ही कुछ करना होगा, मुझे शेषनाग को बुलाना होगा। इस दुष्ट की इतनी हिम्मत जो मेरे भाई के साथ माया करे, कौन है वो? ये हम हैं शेषनाग। यही है, यही है शेषनाग। छोड़िए मत इसे, छोड़िए मत। प्रभु आप, क्षमा कीजिए प्रभु, यदि मेरे गरजने से आपको असहजता हुई तो मैं चलता हूँ। कैसे भाई हो तुम? मुझे अकेला छोड़कर जा रहे हो? तो आप ही कहिए भैया, मैं क्या करूं? इतनी बार आपसे कहा है कि आप नाग लोग से बाहर निकलिए, सबको समझिए, सबका समाचार रखिए, जिससे आपको ज्ञात रहे कि किसके साथ कैसा व्यवहार करना है। इससे पहले भी आप कार्तिकेय प्रभु से उलझे थे, ये उनके ही छोटे भाई हैं। मुझे क्षमा कर दीजिए बाल गणेश, मैं कान पकड़ता हूँ, आज के बाद कभी किसी का उपहास नहीं उड़ाऊंगा। अपने इस अपराध के पश्चाताप के लिए मैं आपको नागलोक देता हूँ। नहीं नागराज, मुझे आपका नागलोक नहीं चाहिए, ये आपका है और आपका ही रहेगा। मैं बस इतना चाहता हूँ कि अपने आनंद के लिए आप दूसरों का उपहास कभी ना करें। किसी का उपहास उड़ाना पाप के समान होता है। मैं अपनी भूल स्वीकार करता हूँ, आज के बाद पूरे नागलोक में कोई किसी का उपहास नहीं उड़ाएगा। बाल गणेश की जय! बाल गणेश की जय! बाल गणेश की जय!